जो लैब है बेसिकली वो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी सी लैब है। आज की जो लैब है बेसिकली मोमेंट और टॉर्क के बारे में लैब है। बेसिकली ये सब चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस इसको ये कि क्योंकि मैंने आपको हमेशा से ये बताया है कि ईपी की जो लैब है दैट इज़ जस्ट टू क्विकली रिवाइज ऑल योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स एंड मेक योर सेल्फ फेमिलियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव लर्न्ड। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, वही सारा काम है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने डॉक्यूमेंट आपसे लास्ट टाइम शेयर की थी। पहले हम वो थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर पे आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी लैब है। तो अब मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। अब आप लोग मुझे कंफर्म करें कि आपको डॉक्यूमेंट विजिबल नज़र आ रहा है। डॉक्यूमेंट विजिबल है आप लोगों? कंफर्म कर दीजिएगा कि इज द डॉक्यूमेंट विजिबल टू यू और नॉट। यस सर। ठीक है, तो आज की जो लैब है बेसिकली लैब नंबर 10 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लैब का ऑब्जेक्टिव क्या है? लैब का ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली हमें ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि मेरे पास मोमेंट या टॉर्क होता क्या है और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। सही, हमें ये चीज़ देखनी है कि मेरे पास मोमेंट क्या होता है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि मोमेंट बेसिकली क्या होता है, मोमेंट हमने ये देखेंगे आज की लैब में कि मोमेंट इज़ बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। आगे बात समझ, तो इस लैब के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। दो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं कि हमें हमें पहले ये चीज़ डिटर्मिन करनी है कि वॉट इज़ एक्चुअली मोमेंट या टॉर्क एंड ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड ऑन। सही, तो ये दो बातें हैं। अच्छा, द प्राइम फोकस ऑफ दिस लैब इज टू अंडरस्टैंड वॉट इज एक्चुअली मेंट बाय द टर्म मोमेंट एंड टॉर्क एंड वॉट आर द टू पैरामीटर्स दैट डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सही, ये बात हमने देख ली। अच्छा, इन अदर कॉमनली यूज टर्म फॉर मोमेंट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बेसिकली होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स जो होती है, फोर्स बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। फोर्स बेसिकली एक टर्निंग या सर्कुलर इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है, एक टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसे इफेक्ट को, ऐसे इफेक्ट को हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ टॉर्क और मोमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशन से या रिलेशन से, जो क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर देर इज अ टेल ऑफ द फोर्स वेक्टर। अब इस पूरे चीज़ को हमने यहाँ पर इस डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया है कि फर्ज करें मेरे पास ये एक पॉइंट है, जो सर्कुलर पॉइंट है, यहाँ से बेसिकली इस चीज़ को टर्न करना है और फोर्स आपने यहाँ पर अप्लाई की है। तो जो टॉर्क है, टॉर्क बेसिकली किस तरीके से निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है कि फोर्स और डिस्टेंस में एग्जैक्टली 90 डिग्री फॉर्म हो रहा हो। फोर्स और डिस्टेंस में 90 डिग्री का फॉर्म होना लाजमी है टॉर्क के अंदर। सही, अगर 90 डिग्री फॉर्म नहीं हो रहा तो टॉर्क मैक्सिमम नहीं निकल पाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि टॉर्क मैक्सिमम निकले तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होना लाजमी है। आ रही बात समझ? दिस इज बेसिकली सिंपली टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर देयर एग्जिस्ट द टेल ऑफ द फोर्स वेक्टर। तो अब इस लिखी हुई चीज़ को इस डायग्राम से आप रिलेट कर सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट मेरा ये सर्कुलर पॉइंट है और फोर्स वेक्टर का टेल ये रही। तो इसकी टेल और टर्निंग पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड डी, और फोर्स मेरे पास रिप्रेजेंट की गई है एफ में, जहाँ फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास टॉर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर। सही, ये बात समझ आ गई कि मेरे पास टॉर्क का जो यूनिट है वो है न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, अब डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
देयर कैन बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट्स. मोमेंट्स हमारे पास या टॉर्क मेरे पास दो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. कौन कौन से? क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. आगे बात समझ. और मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि अगर कोई चीज़ जो है वो बैलेंस स्टेट में है या स्टेबल स्टेट में है तो मेरे पास क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बिल्कुल बराबर हैं. आगे बात समझ. जब मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एग्जैक्टली इक्वलेंट हो जाएंगे तो इस वक्त एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर मेरे पास एक बैलेंस स्टेट आ जाएगी, सही, और स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी. इस चीज़ को हमने यहाँ पर डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया गया. आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया गया सीसॉ का, सही. दो बॉल्स रखी हुई हैं सीसॉ पर, दोनों के दरमियान दोनों का जो वो है वेट वो इक्वलेंट है. एक 10 kg की है तो दूसरी भी 10 kg की है, सही. और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू ग्रेविटी. तो 10 kg मल्टीप्लाई बाय 98.1 न्यूटन की फोर्स लग रही है और डिस्टेंस भी मैंने सेम रखा हुआ है. डिस्टेंस d1 और d2 बराबर हैं. जब d1 और d2 बराबर हो जाएंगे और f1 और f2 भी बराबर हैं तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो जाएंगे. जब क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो गए तो ये सीसॉ ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ये एक जगह स्टेबल हो जाएगा, सही. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जहाँ पर मेरे पास एक बैलेंसनेस क्रिएट हो जाती है. सही बात समझ आ रही है किस तरीके से मेरे पास ये सिस्टम जो है वो बैलेंस हो गया. अच्छा, इस चीज़ को हमने यहाँ पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया कि मेरे पास क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे कौन क्रिएट करेगा? क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रही है F2, क्योंकि F2 इस चीज़ को नीचे लेके जा रही है इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, और F1 इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रही है. तो बैलेंस अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? F2 मल्टीप्लाई बाय D2 बराबर है F1 मल्टीप्लाई बाय D1. जब ये चीज़ अचीव हो गई तो यू हैव अचीव अ बैलेंस एंड स्टेबल स्टेट. सही है, समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? किसी को मसला तो नहीं है? कुछ है तो पूछ ले. मसला है काशान तो पूछ ले. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम बेसिकली जो लैब का एक्सपेरिमेंट हमें, क्योंकि ये बहुत छोटी सी लैब थी, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा करवाने का था नहीं, तो बस मैंने एक्सपेरिमेंट वन में वो कह रहा है यू आर प्रोवाइडेड विद टू ब्लॉक्स ऑफ सिमिलर मास. दो ब्लॉक्स आपके आपके पास मौजूद हैं जिनके मास जो है वो सिमिलर हैं. प्रूव द प्रिंसिपल डैट इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी एंड बैलेंस क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट के. अब आ जाएं अपने वेबसाइट के ऊपर. अपने वेबसाइट खोल लो. वेबसाइट विजिबल है सबको? विजिबल है? ठीक है. अच्छा, मैंने ये वेबसाइट खोली, इसमें मेरे पास तीन ऑप्शन थे, इंट्रो, बैलेंस लैब और गेम. तो मैंने बैलेंस लैब पे क्लिक किया तो मेरे पास ये चीज़ खुल गई, सही है. इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया. अच्छा, ये कुछ खुलेगा तो इस तरीके से खुल रहा होगा. अभी आपको ये देख रहे हैं सीसॉ के नीचे दो चीज़ें लगी हुई हैं, इनको हटाना है क्योंकि मुझे सीसॉ को मूव करना है. अगर ये दोनों चीज़ें यहाँ पर या दोनों स्टूल्स यहाँ पर लगे रहेंगे तो ये चीज़ कभी भी बैले, मतलब ये कभी भी ऊपर नीचे मूव नहीं करेगी. तो पहले मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे ताकि ये दोनों चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएं. अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पोजीशन पे गया और मैंने रूलर्स को ऑन कर दिया ताकि मुझे डिस्टेंस पता चलता रहे किस डिस्टेंस पे कितना ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सही है. और मैंने क्या किया, फोर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स को भी इनेबल कर दिया और लेवल को भी इनेबल कर दिया, सही है. अब मैंने क्या किया, फर्ज करें एक 10 kg का ऑब्जेक्ट में लेके आया और उसको मैंने रखा 1 meter पे. कहाँ पे रखा? 1 meter पे. तो इस वक्त अभी मेरे पास जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो कितनी है? क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगी मेरे पास F into D. F कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 9.81, सही. और डिस्टेंस कितना है? 1 meter. तो मेरे पास जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया वो मैंने इस तरीके से निकाल लिया,
अच्छा अब मैंने क्या किया, मुझे बैलेंस अचीव करना है, तो मैं यहाँ पर 10 kg यूज नहीं, मैंने पहले टास्क में क्या कहा है कि सेम मास है, तो मैंने क्या किया 10 kg लेके आया और मैंने इसको अगर 1 पे प्लेस कर दिया तो देखें ये हो गया बैलेंस। अगर मैंने इसको दूर प्लेस किया तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये इसको नीचे ले जाएगा। हालांकि हैं तो दोनों सेम ही मास, बट डिस्टेंस से फर्क पड़ रहा है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना मेरे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क ज़्यादा होगा, उतना मेरे पास ये उसको काउंटर क्लॉकवाइज मूव करवाएगा। तो पहला काम क्या करना है कि पहला टास्क ये है कि दोनों मास को सेम रखते हुए आपको ये बताना है कि आपने क्या मास रखा। इधर देखें क्या कह रहे हैं, M1 मास 1, मास 2, D1 D2, टॉर्क 1 टॉर्क 2। ये याद रहे कि टॉर्क के फॉर्मूले में मास नहीं आता, फोर्स आती है, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो टॉर्क जब निकालेंगे तो सिंपली मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, मास को मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 से, उसके बाद डिस्टेंस से। सही है, बात समझ आ रही है। और इसी तरीके से ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट 1 था। एक्सपेरिमेंट 2 जो है वो बहुत सिंपल है। पहले एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर आपको डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ मास करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपको, सॉरी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में सेम ब्लॉक्स ऑफ मास है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ मास है। डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ मास कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अच्छा मैंने क्या किया, इस 10 kg को हटाया यहाँ पे, मैंने कहा कि भाई 10 kg को मैंने रखा हुआ है 1 मीटर के ऊपर। अब मुझे 20 kg मैंने लिया और मैं चाह रहा हूँ कि इसको बैलेंस करूँ, तो मैं इसको कहाँ रखूँगा, मुझे कोई बता सकता है। मैंने अभी 10 kg को रखा हुआ है 1 मीटर के ऊपर। अब अगर मुझे बैलेंसनेस अचीव करनी है, स्टेबिलिटी अचीव करनी पॉइंट है, फाइव वेरी गुड, तो 20 kg को मैं कहाँ रखूँगा, 0.5 पे, ताकि दोनों के मेरे पास सेम रहे मोमेंट। वेरी गुड, शाबाश। तो मैंने इसको रखा यहाँ पे, तो इसके अंदर स्टेबिलिटी अचीव हो गई। अगर मैंने इसको हल्का सा भी आगे पीछे किया तो ये स्टेबल कभी भी नहीं होगा। सही, अब देखें मैंने 20 kg तो लिया हुआ है, 10 kg से बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि डिस्टेंस 0.25 है तो ओवरऑल मोमेंट बहुत कम है इसका, तभी 10 kg वाला ज़्यादा भारी पड़ रहा है इस पर। अगर 20 kg को अगर मैं हल्का सा भी आगे ले गया तो ये इसको इधर पुश कर देगा। बैलेंस अचीव करना है तो आपने क्या किया, इसको 0.5 पे रख दिया। हाँ अगर मैंने यहाँ पर 20 kg हटा के 5 kg ले आया तो अब मुझे इसको कहाँ रखना पड़ेगा, 2 पे, ताकि ये बैलेंस हो जाए। अगर मैंने 5 kg को इससे कम पे रखा तो मेरे पास क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी मोर, क्या कह सकते हैं, हावी हो जाएगी इसके ऊपर। देखें सही है, चाहे मैं यहाँ भी रखूँगा तब भी हल्का सा करना नहीं कर पाएगी है। इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास, देखें हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि मेरे पास स्टेबल या बैलेंस कहाँ पे अचीव हो रहा है। ठीक है, बैलेंस अचीव करने का प्रिंसिपल ये होता है कि मेरे पास क्लॉकवाइज मोमेंट और काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो जाए। मोमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले केस के अंदर मैंने क्या किया, मैंने सेम मास रखे, अगर मास सेम है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम रखना पड़ेगा फॉर इक्विवेलेंट मोमेंट या इक्विवेलेंट टॉर्क। बट अगर मेरे पास मास डिफरेंट है तो ऑब्वियस ही बात है मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लिहाज से सेट करना पड़ेगा जहाँ मेरे पास स्टेबिलिटी अचीव हो रही है। सही, पहले केस में मैंने क्या किया, मैंने लिया 10 kg और 10 kg को मैंने कहाँ रखा हुआ है, 1 मीटर पे, तो मेरे पास ओवरऑल फोर्स जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 1, कितनी आ रही है, 98.1 न्यूटन इंटू मीटर मेरे पास आ रही है मेरे टॉर्क। अब इतना ही टॉर्क मुझे काउंटर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करना है, बट मास डिफरेंट है, तो मैंने कितना ले लिया, मैंने ले लिया 5 kg। तो अब मैं 5 kg को कहाँ पुट करूँगा, ऑब्वियसली बात है डबल लेंथ पे पुट करना पड़ेगा ना मुझे, 1 मीटर का डबल क्या होता है, 2। तो मैंने इसको यहाँ प्लेस किया, जब यहाँ प्लेस किया तो अब मैंने जब कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, 5 × 9.81 × 2,
वही आ गया। तो मेरे पास बेसिकली बैलेंस अचीव करने के लिए टॉर्क को बराबर करना पड़ेगा, मोमेंट को बराबर करना पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को। इसके अभी जो मेरे पास लाइव सिनेरियो है आपके सामने जो मैंने शो किया है, इसके अंदर मुझे कोई बता सकता है कि मेरे पास काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकालेंगे? सर हम वो जो 10 kg वाला है उसे उसकी लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? वो सर, वो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा और से देखो। सर। 10 kg को अगर हम लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो हाँ काउंट, हाँ सही है, एंटी एंटी सर वो काउंटर क्लॉकवाइज ही होगा, आप कर कर देख लेना। अगर मैंने इस मास को हटाया यहाँ से तो ये कहाँ जा रहा टेन है? सर 10 kg वाले को अच्छा नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि 10 kg वाले का झुकाव किस किस तरफ है, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉक? सर वो तो क्लॉकवाइज है ना हाँ बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकालेंगे? सर, आपने पूछा काउंटर क्लॉकवाइज हम कैसे निकालेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, अच्छा चलो काउंटर क्लॉकवाइज बता दो। तो सर वो 5 kg को वैसे ही रखेंगे, हम 10 kg वाले मास को अगर लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। नहीं, तुम समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ कि अभी बैलेंस अचीव हुआ हुआ ना, बैलेंस अचीव हो गया, सही है। अगर बैलेंस अचीव जी हो गया इसका मतलब ये कि क्लॉकवाइज मोमेंट और काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो गए, ऐसा ही है। जी तो आप मुझे ये बताओ कि क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकालेंगे इस लम्हे, और काउंटर क्लॉक बस वैल्यूज बता दो, कौन कौन सी वैल्यूज प्लेस करेंगे ये पूछ रहा हूँ मैं। सर, तो इसमें तो बैलेंस ही वो आएगी ना इक्वेशन। हाँ बैलेंस तो आएगी, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि दो मोमेंट्स अच्छा बराबर हो गए ना, क्लॉकवाइज मोमेंट जी और काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो गए, तो इस लम्हे क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू क्या है, काउंटर सही है क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या है, ये बताओ कैसे निकालेंगे? सर, 10 × 9.81 × 1 हाँ तो ये क्या है, 98.1 टॉर्क हाँ आ गया बिल्कुल। और इसी तरीके से मेरे पास जो दूसरी चीज़ है वो कैसे निकालेंगे? सर, उसको 5 × 9.81 × 2 कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, बस यही पूछना चाह रहा था मैं। सही, गुड, सही। तो इस तरीके से आपके बहुत ही सिंपल से दो लैब टास्क हैं, जिसमें पहले के अंदर आपको मास सेम रखना है और दूसरे के अंदर आपको मास डिफरेंट करना है, और ये टेबल जमा करवाना है मुझे, सही है। तो ये आपका लैब का टास्क है, तो अब आप लोग लैब शुरू करें, मैं इधर ही बैठा हूँ अभी, आप लोग लैब स्टार्ट करें और मुझे रिजल्ट्स पे शो करें कि आपके पास क्या आ रहा है, कोई सवाल है तो पूछ लें। सब लोग मुझे लैब दिखाएंगे, उसके बाद मैं जाने दूंगा आप लोगों को। ये लैब 10 है, बिल्कुल लैब 10 है। अच्छा, सारी की सारी लैब्स भी मैंने LMS पर अपलोड कर दी, सही है। हाँ मैनुअल पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, तभी मैंने यहाँ पर टेबल अलग बनाया आपके लिए, तो आप ये अलग पेपर पर सॉल्व कर लें, क्योंकि बेसिकली मैनुअल के अंदर जो मोमेंट थी उसके अंदर एक बाकायदा पूरा अलग से सेटअप करना पड़ रहा था, तो काम वही करना था इसके अंदर सिंपल तरीके से, तो मैंने ये करवा दिया आपको। क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग लैब जो है ना वो किसी तरीके से भी करवा सकते हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अब जो एग्जैक्ट लैब थी अगर वो नहीं कर पा रहे तो कोई मसला नहीं है, उसके सब्सिट्यूट में जो भी लैब है वो हम कर सकते हैं। तो मोमेंट की लैब मुझे ये समझ आ रही थी, मैंने आपको ये करवा दी, सही है, कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों? ठीक है, तो अब ये सर, तो हम लैब्स मैनुअल्स यूज नहीं करेंगे, हम ये वाले नहीं, टेबल यूज करेंगे। हाँ ये वाला बिल्कुल बिल्कुल ये वाला यूज़ करेंगे, सही है। सर अभी मैंने ये टेबल यहाँ पे आपके सामने बनाया था कि आप ये यही वाला यूज़ करें और अलग से पेपर पे जमा करवा दें मुझे तस्वीरें लेकर। ये मैनुअल भी बना ली टेबल। मना ले, मर्जी आपकी, एक रीडिंग निकलेगी सिमिलर मास की, दूसरी रीडिंग निकलेगी डिफरेंट मास की, तो बस दो सर रीडिंग। वो ऊपर वाला टेबल देखा था, अच्छा सॉरी, बस ये जल्दी जल्दी टेबल आप लोग फिल करें और मुझे शो करें।
पहले वाली एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको मास सेम रखना है और रीडिंग्स तीन नहीं है, रीडिंग सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही दफा काम करना है वो। तो पहले वाले के अंदर आपकी मर्जी है, आप 10 10 ले लें, 5 5 ले लें, 20 20 ले लें, आपकी मर्जी है, जो लेना है आपको लें। दिस मतलब फ्री हैंड है, जो आपको करना है आप लोग एक्सपेरिमेंट करें और उस तरीके से करें, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं लेनी। जी ऑब्वियसली बात है, जब मोमेंट को बैलेंस करें तो डिस्टेंस सेम लेना पड़ेगा इन एक्सपेरिमेंट नंबर वन। एक्सपेरिमेंट टू के अंदर क्योंकि जब मास डिफरेंट है तो डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, तो मैं वही चेक करूंगा किसने क्या फिल किया है। सही, अच्छा एक दूसरी लैब जो है वो आपकी कल भी होगी इसी टाइम 10 बजे, फिर आपके पास लैब सारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो कल हमारी इंशाल्लाह सारी की सारी लैब जो है वो वाइंड अप हो जाएंगी। अटेंडेंस का ऐसा इशू नहीं, अटेंडेंस तकरीबन सबकी मैं लगा देता हूँ, जो नहीं भी आ रहा वो भी उसकी भी लग जाएगी। तो बस ये कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट रहें ताकि आप लोग मेरी नज़र में हो कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। सही, नाइन पॉइंट एट वन से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो बॉल्स या जो भी वेट्स वहाँ पर गिवन है वो वहाँ पर उनका मास गिवन है। क्या गिवन है? मास। मास इज ऑलवेज इन केजी एंड मास इज नॉट अ फोर्स। मास फोर्स नहीं होता, वेट फोर्स होता है। और वेट क्या होता है? वेट होता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी है 9.81, तभी मुझे मास को वेट में या फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में मास नहीं आता, टॉर्क के फॉर्मूले में फोर्स आती है, तभी मुझे मास को फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा आपने क्या लिया? 15 kg। सही है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 1.25। ठीक है, ओके गुड, अब दूसरा वाला कर लें। दूसरा टेबल भी बिल्कुल एज इट इज यही है, पहला और दूसरा टेबल सेम ही है।
सिर्फ मास डिफरेंट हो जाएगा इसके अंदर, और d1 d2 भी डिफरेंट होंगे। जी इसमें भी एक ही है। सही है, चेक कर लेता हूँ। सही है, गुड। ये डिफरेंट वाला है आपका, सही है। 10 × 9.81 × 1 कितना आ रहा है, 98.1, ठीक है। 15 × 0.5 × 9.81 गलत आ रहा है मेरे भाई। ये डिफरेंट का मतलब, अरे आप लोग समझ समझे नहीं मेरे ख्याल से। डिफरेंट का मतलब ये है कि आई डोंट वॉन्ट T1 एंड T2 टू बी डिफरेंट, आई वॉन्ट T1 एंड T2 टू बी एग्जैक्टली सेम। तभी तो बैलेंस अचीव हो, तभी तो स्टेबिलिटी अचीव होगी। इस केस में तो मेरे पास स्टेबिलिटी अचीव होगी नहीं। काशिफ, क्या काशान नाम तुम्हारा, समझ रहे हो? आपको T1 और T2 बराबर करने हैं, तो उसके लिए आपको, जैसे आपने फर्ज करो सेट किया, M1 को सेट किया 10 kg और D1 सेट कर दिया 1 1 मीटर, तो अब आपको M2 कितना करना पड़ेगा, M2 आपको 20 करना पड़ेगा, M2 20 और D2 वही 0.5 रहेगा। जब आपने M2 को 20 किया, 20 kg, 20 × 0.5 × 9.81, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है। तो आपको डिफरेंट का मतलब ये है कि अब मास डिफरेंट है। अच्छा अभी इन्होंने, अच्छा क्या भेजा है इन्होंने, 5 चेक कर दो माही, नहीं रुक जाए। 5 × 2 × 9.81 ठीक है, 10 × 1, वेरी गुड, सही है आपका, वेरी गुड, शाबाश, गुड। माही के दोनों टास्क हो गए तो गुड। तंजील का ये सेम वाला है, ठीक है तंजील सेम वाला, ठीक है आपका। अच्छा डिफरेंट वाला भी किया, कर लिया आपने। 15 × 1, सही है, शाबाश, 9.81 ठीक है, 10 × 1.5 × 9.81 शाबाश तंजील, वेरी गुड, एक्सेलेंट। जी लैब ख़त्म, बस जा सकते हैं, जिसने जमा करवा दिए वो जा सकता है। सही, और लोगों का वेट कर रहा हूँ मैं। टू ब्लॉक्स ऑफ सिमिलर मास, फाइव फाइव
सही है। ये फोर्स, ये अपना शारीरिक की जो आपने टेबल फिल किया है वो ठीक है, बट टेबल की जो फोर्स निकाली है डेट इज नॉट फोर्स, क्योंकि फोर्स के अंदर मैंने अभी ऐसे अभी समझाया, सॉरी। अच्छा सॉरी, ठीक है, सही सही, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही ठीक है, समझ गया, सही है, ठीक है, गलती हो गई थी, ठीक है, वो आपने अलग से फोर्स निकाल दी, ठीक है ठीक है, सही है, जी सर, ताकि जी सही बाद में है, याद रहे कि ऐसे करा। ठीक, सही, शाबाश, वेरी गुड, सही, गुड, ठीक है, गुड। सही, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या ये? बिल्कुल, कौन सी लेफ्ट? 10 10 लेफ्ट 10। लेफ्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। ठीक सर। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं काशान सर हम जा सकते हैं ना? जी? आप जा सकते हैं काशान, इसको ओके सर। M220 कर देना। वालेकुम अस्सलाम, जा सकते हैं। तो अब ये कि कल भी लैब होगी तो 10 बजे आ जाइएगा सारे। ठीक है, 10 बजे कल भी लैब है तो कल भी आपको लैब लेना आना है। सुहाना ने भी कुछ सेंड किया है, ठीक है, और हाँ ठीक है, शाबाश, गुड, सही है सुहाना जी, बिल्कुल ठीक है। ओके गुड, सही, गुड, शाबाश, परफेक्ट है, गुड। शाबाश, गुड, सही है, दोनों का सही है। ठीक है, गुड,
जी जा सकते हैं। ओके ऑफिस। सही है। ठीक है, फहम को मसला नहीं, कल करवा दीजिएगा। ठीक है, गुड गुड। ठीक है शुमाइला, ठीक है गुड। ठीक है,
सही है, फिर यही की क्लास एंड करते हैं, तकरीबन सबका हो गया काम और ये कि तकरीबन सबने कर लिया। ठीक है, तो कल भी इंशाल्लाह लैब है, तो कल भी आप लोग आ जाएंगे इसी टाइम पे 10 बजे। ठीक है, चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।